सो स्मार्ट इन्फ्यूजन को क्यों चुने आप? स्मार्ट इन्फ्यूजन को इसलिए चुने अगर आपको बेहतर काम कराना है, अच्छा काम कराना है, 360 एक्सपीरियंस करना है, चाहे वो इक्विपमेंट लेवल पे हो, चाहे ग्रोथ लेवल पे हो, चाहे एक्सपीरियंस लेवल पे हो, तब आप स्मार्ट इन्फ्यूजन चुने। स्मार्ट इन्फ्यूजन क्या नहीं करता है? स्मार्ट इन्फ्यूजन कोई भी सस्ता प्रोडक्ट नहीं बेचता। एक वीडियो बनाते वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? माइक की, माइक के साथ लाइट की। तो आज हम बात करेंगे लाइट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी बताएंगे क्यों लिखा है। एंटी फ्लिकर स्टूडियो लाइट्स। सो स्टूडियो लाइट्स में तो लाइट तो है, लेकिन स्पेशल लाइट है, फ्लिकर फ्री, यानी ये आप जो लाइट्स हैं वो फ्लिकरिंग नहीं करेगी। तो उसमें फ़ायदा क्या क्या होगा आपको? जैसे मान लीजिए ये लाइट आपने लगाया है, चाहे आप पैनल पे वीडियो बना रहे हैं, वाइट बोर्ड पे बना रहे हैं, ग्रीन क्रोमा पे बना रहे हैं, या नॉर्मल ऐसी वीडियो बना रहे हैं, तो अब आपके पास किसी भी जमाने का कोई भी फ़ोन हो, कोई भी कैमरा हो, मैटर नहीं करता, आपके मोबाइल कैमरा पे या DSLR पे, वीडियो कैमरे पे फ्लिकरिंग नहीं आएगी। ठीक है, फ्लिकरिंग में जब स्क्रीन ऐसे, ठीक है, अप डाउन करना शुरू कर देता है। सो ये स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन किया गया है। सो ABCD का मतलब ये है कि ये दो एंगल के साथ आते हैं। आप केवल लाइट भी परचेज कर सकते हैं, ये लाइट 2x2 की है, ठीक है, और ये 48 वॉट की है। अभी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको 40 वॉट का लाइट मिलता है और फ्लिकर फ्री नहीं मिलता। आप मार्केट में चेक कर लीजिए, अभी अपने आसपास के बिजली की दुकान पे जाइए और पूछिए कि भैया हमें फ्लिकर फ्री लाइट चाहिए, वो नहीं दे पाएंगे। 40 वॉट के ऊपर लाइट नहीं होती, इसलिए इसको 40 वॉट में डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो सर्किट है वो अलग बनाई गई है और लाइट ही अलग है। ऑप्शन 2 इसलिए दिया गया है कि जब स्टूडियो में लाइट लगाते हैं तो साइड में आपने दो लाइट लगा लिया, इस साइड में दो लाइट लगा लिया, चार लाइट आपने ऊपर लगा लिया, आपका पूरा काम खत्म। लेफ्ट लाइट प्रॉपर, राइट लाइट ही प्रॉपर, और ऊपर से फ्रंट और फेस पे लाइट प्रॉपर। और अच्छी लाइट चाहिए, 3 लाइट आपने नीचे लगा दिया, ठीक है। मतलब कितनी लाइट आप कंज्यूम कर पाते हैं, आपकी आंखें जहां तक कंफर्टेबल है उतनी लाइट लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आइडियली इस टाइप के 10 या 8 लाइट से आपका काम हो जाता है, तो काम उतना ही करिए या लाइट उतना ही कंज्यूम करिए जितना सेहत के लिए ठीक हो, ठीक है। बाकी सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं, सीखते हम वही हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं, बाकी सब मोह माया है। इसमें क्या क्या है, ठीक है, ये सब इसके स्पेसिफिकेशन है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और ये कंप्लीट फ्लिकर फ्री लाइट है, यानी इसमें फ्लिकरिंग बिल्कुल नहीं आएगी, और इसको लगभग 1 महीने से टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। कुछ इसके मटेरियल के बारे में यहाँ बताया गया है जो कि उतने मतलब का है नहीं, ठीक है। थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ यहाँ भी है नहीं, ये हम बता चुके हैं, ओके। सो ये कुछ प्लेसमेंट आपको बताया गया है, प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे हाइब्रिड क्लासरूम है तो यहाँ पे पोडियम रख के, ये पोडियम रखा है, डिजिटल बोर्ड है, तो आप साइड में ऐसे इस लाइट को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये स्टैंड नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लाइट को आप छत पे लगा लीजिए, ठीक है। सो ये कुछ प्लेसमेंट आपको बताया गया है। इधर क्या है, वर्चुअल क्लासरूम सेटअप और एकॉस्टिक। एकॉस्टिक मतलब साउंड प्रूफिंग, वर्चुअल में हर जगह इसका प्लेसमेंट आपको दिखाया गया है विजुअली कि आप कनेक्ट हो पाए किसको लगाना कैसे है, ठीक है। यहाँ ग्रीन क्रोमा अगर वीडियो बनाते हैं तो डिजाइनर ने बोला है कि दो यहाँ लगाओ, दो यहाँ लगाओ, आप दो के बजाय और लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रीन क्रोमा में आपको लाइट स्ट्रांग चाहिए होता है। रीज़न ये है कि क्रोमा आपको इकट करना होता है, तो आप लाइट प्लेसमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है, या फ्रंट में रख सकते हैं। इसको बनाया ऐसे गया है कि आप इसको सामने रख के भी वीडियो बना सकते हैं और फ्लिकरिंग नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इक्विपमेंट आपका कोई भी हो, अभी तक क्या होता था, केवल फ्लिकरिंग के वजह से लोग महंगे कैमरा खरीदते थे, महंगे फ़ोन खरीदते थे, राइट। तो आपका फ़ोन कैमरा कोई भी हो, अब ये लाइट आपका पैसा भी बचा रहा है और आपको डिसेंट लाइट दे रही है, ठीक है। यहाँ पे IFPS 75 इंच का, ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो का, तो देखिए एक यहाँ लगा हुआ है और एक लाइट यहाँ पे है। सो ऐसी लाइट्स या जो ये सब प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, ठीक है,
स्मार्ट इन्फो विजन एंड टीम क्यों ये सब काम करती है, कभी लाइट लेके आती है, कभी माइक, ये क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम ज़्यादा है। भारत में इंस्टॉलेशन ज़्यादा है, सो प्रॉब्लम को रजिस्टर करना, उस पर काम करना, कोर R&D टीम है जो लगी रहती है, जैसे कभी कभी आप वीडियो में देखते हैं कभी कोई साउंड प्रूफिंग काम हो रहा है, कॉस्टिक काम हो रहा है, पॉडकास्ट स्टूडियो बन रहा है, टीचिंग स्टूडियो बन रहा है, यूट्यूब स्टूडियो बन रहा है। सो मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी को सजेस्ट तब करें जब आपके यहाँ सारी चीज़ें हों और टेस्टेड हों, ठीक है। बाकी यूट्यूब में आके हम आप कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कैमरा ऑन किया, माइक लगाया, बोलना शुरू कर दिया। बट स्मार्ट इन्फोविजन स्पेशली बिलीव करता है कि आपके पास सेटअप है कितना एक्चुअल दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि सर ये ना आपको मिलेगा, बट एक्चुअल ही नहीं है इसका फिजिकल देखने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम दिखाने में, करने में और पहले खुद यूज़ करते हैं तब आपको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अगेन मैं बोलता हूँ, ये इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक की है, दिक्कत परेशानी आएगी, उसके लिए हमेशा हम रेडी होते हैं सीखने के लिए। आप हमें फीडबैक दीजिए, हम सीखेंगे, उसको सुधारेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, बैक पे नहीं जाएंगे, फिर से हम रिफॉर्म करके, रीथिंक करके, रीडिज़ाइन करके आपके सामने आएंगे, ठीक है। बाकी आपको एक्सपीरियंस करने के लिए नोएडा, वहाँ भी एक्सपीरियंस सेंटर है, जाके देख सकते हैं, लखनऊ देख सकते हैं, पटना देख सकते हैं, जयपुर देख सकते हैं, दो नाम और ऐड हो गए हैं। 20 दिन बाद आप अहमदाबाद में भी जाके देख सकते हैं और 1.5 महीने बाद पुणे में जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट इन्फोविजन केवल एक कंपनी है जो फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर लेके आती है आपके शहर में, क्योंकि विजन बहुत बड़ा है और जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ये आपका सपना है और ये आप है, तो बीच में अगर कोई इक्विपमेंट, जब तक उसको टच फील नहीं करेंगे तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लेना भी नहीं चाहिए आपको। इसलिए बोलता हूँ किसी भी ब्रांड का खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए, कोशिश करिए फिजिकल टच करिए, अपीयरेंस देखिए, प्री एंड पोस्ट के बारे में डिस्कस करें हर किसी से, हमसे भी कि भैया चलो अच्छी बातें हो गई हैं, आपसे ले लिया हमने, आपने हमें बेस्ट प्राइस भी दे दिया, अब इसके बाद कैसे आप हमें सर्व करोगे और आप हमें इसके अगेंस्ट में कहाँ लिख के दे रहे हो, मेल पे लिख के दे रहे हो, लेटर हेड पे लिख के दे रहे हो, इनवाइस पे लिख के दे रहे हो, कहाँ लिख के दे रहे हो। जैसे हम, मैं बहुत अच्छा हूँ, कितना अच्छा हूँ, जब तक तो पेपर पे नहीं आया कैसे पता चलेगा, ठीक है। सपना आपका है, इक्विपमेंट आप लेने जा रहे हैं, पूछना आपको है। सो न्यूट्रलाइज होके हम बात करते हैं, सबसे सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, और जितना सवाल पूछेंगे पैसा देने के पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आर्गुमेंटल चीज़ें हो जाती हैं, एक्सक्यूज हो जाता है। सो स्मार्ट इन्फोविजन को क्यों चुने आप, स्मार्ट इन्फोविजन को इसलिए चुने अगर आपको बेहतर काम कराना है, अच्छा काम कराना है, 360 एक्सपीरियंस करना है, चाहे वो इक्विपमेंट लेवल पे हो, चाहे ग्रोथ लेवल पे हो, चाहे एक्सपीरियंस लेवल पे हो, तब आप स्मार्ट इन्फोविजन चुने। स्मार्ट इन्फोविजन क्या नहीं करता है, स्मार्ट इन्फोविजन कोई भी सस्ता प्रोडक्ट नहीं बेचता। अगर आपको चीप सस्ता चाहिए तो स्मार्ट इन्फोविजन आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए पूरा मार्केट आपके पास है। अगर आपको अच्छा चाहिए, ठीक है, सही चाहिए, तब आप स्मार्ट इन्फोविजन के पास आइए। अगर एक्सपर्ट चाहिए, सर्विस फ्यूचर में अच्छी चाहिए, तब आप स्मार्ट इन्फोविजन के साथ आइए। एक्सपीरियंस करना है आपको, सीखना है, समझना है, लेना भी नहीं है तो भी स्मार्ट इन्फोविजन के एक्सपीरियंस सेंटर जाइए, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि स्मार्ट इन्फोविजन एक एकेडमी है, न जाने कितने लोगों को सिखाया और सिखा भी रहा है, तो हम एकेडमी की तरह ही ट्रीट करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो हम सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, आपके फीडबैक के वजह से हम सीख भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ नया करते रहें, कुछ हट के और आपके प्रॉब्लम को हम रजिस्टर करके उस पर कुछ काम करते रहें, ठीक है। बाकी आपको सेटअप करवाना हो, स्टूडियो सेटअप या पॉडकास्ट सेटअप या टीचिंग सेटअप, तो आप कॉल कर सकते हैं 8527926648 पे। ये नंबर आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह मिल जाएगा, 8527926648, ठीक है। ग्राफिक्स बहुत हाई ग्राफिक्स है, इसके लिए हल्का सा स्लो चलता है जब भी आप हाई ग्राफिक्स पे लिखते हैं, प्रोसेसिंग फिर क्या ग्राफिक्स की भी है और जब आप राइटिंग कर रहे हैं उसकी भी प्रोसेसिंग है। इस पर कॉल करना है आपको
ठीक है। बाकी किसी ब्रांच के बारे में जानना है या ऑफिस कहाँ है तो गूगल पे जाइए, स्मार्ट इन्फ्यूजन लखनऊ टाइप करिए, लखनऊ के लिए, इवन पूरे यूपी के लिए, दिल्ली के सटे हुए एरिए से हैं तो स्मार्ट इन्फ्यूजन नोएडा सर्च करिए, बिहार से हैं स्मार्ट इन्फोविज़न पटना सर्च करिए, राजस्थान से हैं तो स्मार्ट इन्फोविज़न जयपुर सर्च करिए। जैसे सर्च करेंगे आपको सारे फोटोग्राफ्स, नंबर और लोकेशन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि स्मार्ट इन्फोविज़न का काम आपको पसंद आ रहा होगा। कोई भी फीडबैक हो, कोई कंप्लेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।